हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा, खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन और दही वाली मिर्च। जी हाँ, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ये एक साइड डिश है। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है और खाने के साथ चटपटी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे इंस्टेंट अचार की तरह भी बना सकते हैं और ये रेसिपी आप पूरी, पराठा या फिर राइस, दाल, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, काफ़ी जल्दी बन जाती है। तो अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए भी इस रेसिपी को सर्व किया जा सकता है। साइड डिश की तरह एक एक्स्ट्रा डिश भी ऐड हो जाती है और खाने का स्वाद भी चौगुना हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो देख लेंगे। यहाँ पर मैंने ली है ये मिर्च। ये तीखी मिर्च नहीं है, अगर आप चाहें और ज़्यादा तीखी मिर्च लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने कम तीखी मिर्च ली है क्योंकि ये खाने में ज़रा इजी रहती है और सभी इसे खा पाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह की मिर्च लेकर के उसको इस तरह से कट कर लिया है। यहाँ हम ऊपर तक कट करेंगे, बस ये डंठल के पास का थोड़ा सा पोर्शन रहने देंगे। तो आप इस तरह से बीच में कट कर सकते हैं। अगर मिर्ची का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो इस तरह से चार पार्ट्स कर सकते हैं, जैसे कि एक बार इधर से स्लिट किया और एक बार इधर से, इस तरह से चार टुकड़ों में भी काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी मिर्ची कट कर ली हैं। मैंने यहाँ पर 20 मीडियम साइज की हरी मिर्ची ली हैं जो लगभग 125 ग्राम है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 4 टेबलस्पून ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन यूज करेंगे हम, ऑयल लिया है 2 से 3 बड़े चम्मच और साथ ही 1/2 कप दही लिया है। और यहाँ पर मैंने ली है राई, 1 टीस्पून राई ली है। तो आइए हम बेसन और दही वाली मिर्च बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम ऑयल डाल देंगे। मैंने यहाँ पर मिर्ची का डंठल जो है वो साथ में ही लगा रहने दिया है ताकि मिर्ची जो है ये अच्छे से चिपकी रहे और ये अलग अलग ना हो जाएं इसके टुकड़े। तो हमने ऑयल गरम कर लिया है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा हम इसमें ये जो हमने राई ली है इसको डाल देंगे। ये एकदम फ्लटर करने लगेगी तो हम इसमें हरे मिर्चें डाल देंगे और इसको भून लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से फैलाकर फ्राई करेंगे ताकि हर तरफ से फ्राई हो जाए। अगर आपने तीखी वाली मिर्चें ली हैं तो आप उसमें से बीज निकाल करके अलग कर सकते हैं क्योंकि मिर्ची के बीज में काफी तीखापन होता है। इस तरह से बनाई हुई मिर्ची को आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो किसी एयर टाइट कंटेनर में और 1 हफ्ते तक ही यूज कर सकते हो। देखिए मिर्ची ने कलर चेंज कर लिया है। एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। 5 मिनट में मिर्ची इस तरह से रेडी हो जाएगी यानी कि अपना कलर चेंज कर लेगी। तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे। मसाले डालते हुए गैस का फ्लेम लो कर दें और धनिया पाउडर डाल देंगे और इसको एक बार भून लेंगे मसालों के साथ। हमने पहले जो मिर्ची फ्राई की है उसका फ्लेम जो था वो हाई था और अब मसाले डालने के बाद हमने फ्लेम जो है वो लो कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं। और मसालों को 1 मिनट भूनने के बाद जैसे ही हल्के खुशबू आने लगे हम इसमें दही डाल देंगे और दही डाल करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही जो है इसके तीखेपन को कम करेगा, इसमें एक खटास का फ्लेवर देगा और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा दही से इसका। हम इसको दही में कुक होने देंगे और दही के साथ तब तक पकाएंगे जब तक कि दही जो है हल्का सूख नहीं जाए। 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसी तरह इसको दही में कुक होने देंगे। थोड़ी देर में आपको दही का टेक्सचर जो है वो इस तरह से फटाफटा दिखाई देगा, तो घबराएं नहीं क्योंकि दही है तो इसमें इस तरह का टेक्सचर आ ही जाता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, इसको हमें इसी तरह से ड्राई करना है। तो देखिए दही जो है अब लगभग ड्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दही ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, बस मिर्चें हल्की सी कोट की हुई हैं। तो अब हम इसमें 4 चम्मच बेसन डाल देंगे, इस तरह से फैलाकर डालेंगे और अब हम इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथ से। इसको हम इसी तरह से लो फ्लेम पर भून जाने देंगे।
देखिए बेसन भुन चुका है और मिर्ची अच्छे से कोट हो चुकी है मसाले और बेसन से। हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। इसे सर्व करने का इजी और बेस्ट वे है कि आप इसे इसके डंठल से पकड़कर इस तरह से प्लेट में सर्व कर दें और इस तरह से आप इसको खाने के साथ, दाल के साथ, चपाती के साथ और किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए किस तरह से मसाले से कोटेड है ये मिर्ची। तो मैं सभी मिर्ची इसी तरह से सर्व कर लूँगी। तो ये देखिए रेडी है हमारी बेसन और दही वाली मसाला मिर्च। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपीज, बाय।